हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम बात कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस की, यानी राजनीतिक विज्ञान की बात कर रहे हैं, बीए पार्ट टू और सेमेस्टर थर्ड के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो हम पहले यूनिट के जो आपके लॉन्ग आंसर्स हैं उन्हें देख चुके हैं। अब बात करेंगे हम किसके शॉर्ट आंसर्स की। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे दोस्तों। तो पहला ही क्वेश्चन आपके सामने दिखाया जा रहा है। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है देखेंगे दोस्तों। चलिए तो इसके बारे में बात कर लें। चलिए तो क्या कह रहा है क्वेश्चन आपसे देखेंगे। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा स्वरूप है जिसमें सरकारों का चुनाव लोग करते हैं। कौन करते हैं सरकारों का चुनाव? लोग करते हैं। भाई लोकतंत्र का मतलब ये हो गया। लोकतंत्र की इस परिभाषा से आप क्या समझते हैं? परिभाषा को आप कहाँ तक उचित मानते हैं? ठीक है, चलिए इसे डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, लोकतंत्र को डिस्क्राइब करते हैं। तो लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा स्वरूप है, ठीक है, ऐसा स्वरूप है जिसमें सरकारों का चुनाव कौन लोग करते हैं। यह लोकतंत्र की एक कैसी सरल सरल सी परिभाषा है। ठीक है, सीधी सी बात है, लोकतंत्र लोक मतलब जनता का शासन। ठीक है, इस कसौटी पर कसते हुए हम यह आसानी से कह सकते हैं कि सऊदी अरब जो है, ठीक है, सऊदी अरब और म्यांमार की सरकारें लोकतांत्रिक नहीं है। कैसी नहीं है? लोकतांत्रिक नहीं है, क्योंकि वहां के शासन लोगों के द्वारा शासक लोगों के द्वारा चुने हुए नहीं होते, परंतु लोकतंत्र की उपयुक्त परिभाषा लोकतंत्र के केवल एक पक्ष को ही प्रतिबिंबित करती है। किसको? केवल एक ही पक्ष को प्रतिबिंबित करती है। ठीक है, यह प्रतिबिंबित करती है, प्रकाशित करती है, इसलिए यह पर्याप्त नहीं है। क्या नहीं है? पर्याप्त नहीं है। केवल चुनाव कराने से कई सरकारें लोकतांत्रिक सरकार नहीं बन सकती। ठीक है, केवल चुनाव कराने से कई सरकारें लोकतांत्रिक सरकार नहीं बन सकती। चुनाव तो पाकिस्तान, चीन और इराक में भी करवाए जाते हैं। कहां पर? पाकिस्तान, चीन, ईरान में भी करा इराक में भी कराए जाते हैं। क्या इनमें इतने में ही वे सरकारें लोकतंत्र बन गई? नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में वास्तविक सत्ता सैनिक अधिकारियों के पास है। किसके पास है वास्तविक सत्ता? किसके पास? सैनिक अधिकारियों के पास है। ठीक है, चीन में सत्ता का केंद्र केवल एक ही राजनीतिक दल है। कौन है? केवल एक ही राजनीतिक पार्टी है। इराक में सत्ता बाकी बागडोर औरों के हाथ में है, केवल सैनिक अधिकारियों। एक ही राजनीतिक दल या फिर विदेशी शक्तियों के हाथ में सत्ता किसी भी हालत में क्या नहीं हो सकती? लोकतंत्र नहीं हो सकती दोस्तों। ठीक है, क्या नहीं हो सकती? लोकतंत्र की स्थापना नहीं कर सकते। इसीलिए लोकतंत्र की उपयुक्त परिभाषा पर्याप्त नहीं है। ठीक है, जो उपयुक्त परिभाषा है वो लोकतंत्र की पर्याप्त नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आते हैं अब हम दोस्तों, ये प्रश्न हमारा होता है समाप्त, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।